आखिर क्या सच में माता रुक्मणी ने माता जामवंती को श्राप दिया था? स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर प्रमाण सहित चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे प्यारे दोस्तों, बात उस समय की है जब श्री कृष्ण पर मनी चोरी का आरोप लगा था और उस वक्त श्री कृष्ण की मुलाकात जामुन से हुई थी और जामुन से मिलने के बाद श्री कृष्ण और जामुन में युद्ध हुआ। जामुन जब श्री कृष्ण से हार गए तो उस वक्त जामुन ने श्री कृष्ण से ये अनुरोध किया कि उनकी पुत्री जामवंती को श्री कृष्ण अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें और उस वक्त भक्त की ये इच्छा जानकर श्री कृष्ण जामवंती से विवाह कर लेते हैं। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने जामवंती से विवाह किया, जामवंती के पूरे शरीर में बाल था क्योंकि वो एक भालू की कन्या थी, लेकिन श्री कृष्ण का स्पर्श पाते ही वो एक सुंदर कन्या में परिवर्तित हो गई। दूसरे मत के अनुसार जब जामवंती को श्री कृष्ण द्वारका लेकर आए तो जामवंती से श्री कृष्ण ने कहा कि वो पल्लू से अपना चेहरा ढक ले और जब तक श्री कृष्ण ना कहे तब तक वो अपना चेहरा किसी को ना दिखाए, और जामवंती ने बिल्कुल ऐसा ही किया। और जब माता रुक्मणी को ये बात पता चली कि श्री कृष्ण अपने साथ किसी कन्या को ले आए है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुई और उन्होंने श्री कृष्ण से जाकर कहा, हे स्वामी, क्या मेरी सुंदरता में कोई कमी आ गई है जो आप दूसरी कन्या को ले आए? इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे रुक्मणी, जामवंती का सुंदरता बहुत ही ज्यादा अनोखा है, उसके समान अनोखी सुंदरता इस ब्रह्मांड में किसी का नहीं। ये सुनकर माता रुक्मणी को बहुत अधिक क्रोध आता है और वो ये श्राप दे देती है कि चाहे जामवंती कैसी भी रही, अब तक आज से वो माता रुक्मणी से कम सुंदर रहेगी। और एक मत के अनुसार माता रुक्मणी कहती है कि जामवंती कुछ भी हो जाए, ना माता रुक्मणी से कम ना माता रुक्मणी से ज्यादा सुंदर रहेंगी, वो रुक्मणी माता के बराबर ही सुंदर रहेगी। और उसके बाद माता जामवंती एक भालू कन्या से एक बहुत ही सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। लेकिन दोस्तों, हम आपको ये बता दें, ये मात्र लोक कथाएं हैं। दरअसल असलियत में तो माता जामवंती की सुंदरता का वर्णन हमें भागवतम के चौथे स्कंध अध्याय 24 में देखने को मिलता है, जहां पर माता जामवंती को परम सुंदरी बताया गया है। और गर्ग संहिता हो या हो पद्म पुराण, माता जामवंती को सर्वगुण संपन्न और बहुत ही अधिक रूपवान स्त्री बताया गया है। ये सारे ग्रंथ माता जामवंती के सुंदरता का वर्णन करते नहीं थकते। दोस्तों, ऐसे ही श्री कृष्ण और माता जामवंती से जुड़े सुंदर लीला तथा कथाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।